देश के तमाम नौजवान दोस्तों और बहनों को मेरा नमस्कार। मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री, आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टूट के चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं फिर से एक नए वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, स्त्री आपके मोहब्बत में, आपका प्यार में आपके ऊपर जान छिड़केगी, दो लौंग जो है यहां रख दो। अगर चुपके से दो लौंग अगर आप यहां रख देते हैं तो स्त्री आपके मोहब्बत में आपके ऊपर जान छिड़केगी, आपके प्यार मोहब्बत में पल पल तड़पेगी, वो आपके बिना नहीं रह पाएगी। आज मैं बहुत ही अचूक और चमत्कारी घर बैठे दूर से वशीकरण करने का तरीका बताने जा रहा हूं, मात्र दो लौंग के द्वारा। आप दो लौंग के द्वारा चमत्कारी वशीकरण कर सकते हैं, दो लौंग के द्वारा किसी को भी अपने कदमों में झुका सकते हैं, दो लौंग के द्वारा आप किसी भी स्त्री को अपने मोहब्बत में जीवन भर आप उसे दासी बना करके रख सकते हैं। लौंग की इतनी चमत्कारी शक्ति है, लौंग के में इतनी पावरफुल शक्ति है कि ब्रह्मांड भी जो है उसके शक्ति के अंदर में समाहित हो जाती है। तो आई लौंग के द्वारा मैं घर बैठे दूर से किसी भी स्त्री को आप कैसे वशीकरण कर सकते हैं उसकी तरीका मैं बताने जा रहा हूं। आप मेरे वीडियो पर आखिर तक बने रहे, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और कॉमेंट बॉक्स पर जाकर के जय मां कामाख्या जरूर लिखे, ताकि माता कामाख्या की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि लौंग के द्वारा देवी देवताओं को प्रसन्न की जाती है। आप अगर पूजा पाठ करते हैं या कोई साधना करते हैं या तंत्र मंत्र विद्या की साधना करते हैं तो वहां पर लौंग और इलायची का काफी बड़ा महत्व होता है। लौंग के द्वारा आप किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं, देवी देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। खाने का सामान में अगर लौंग को मिला देते हैं तो खाना का स्वाद को आप बदल सकते हैं, खाना का टेस्ट को आप बदल सकते हैं। आप कितनों भी घर में अच्छे स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं लेकिन उसमें दो पीस लौंग अगर डाल देते हैं तो लौंग का आपका स्वाद जो है चेंज हो जाता है और खाना भी चेंज हो जाता है। जो लोग खाते हैं, आपको जो खाना खा लेंगे लौंग का मिला हुआ खाना, तो निश्चित तौर से वो लोग जो है आपको जो है आपके ऊपर प्रभावित हो गए, आपके ऊपर में पूरी तरह से समाहित हो गए। इतनी बड़ी लौंग के अंदर में शक्ति और ताकत होती है। लेकिन मैं बिना बात को आगे बढ़ाए हुए आज भाई बताने जा रहा, दो लौंग के द्वारा आप कैसे किसी को अपने मोहब्बत में दीवाना बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए होंगे या मेरे वीडियो पहली बार आए होंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें और बगल में बेल घंटी जरूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाए और आप हमारे तंत्र मंत्र टोने टोटके को जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, इस क्रिया को आप मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, शनिवार के दिन भी कर सकते हैं या अमावस की रात को भी आप कर सकते हैं और पूर्णिमा की रात को भी आप इस क्रिया को कर सकते हैं। पूर्णिमा की रात यानी चांदनी रात जिसे कहा गया है, तो पूर्णिमा के रात में अगर आप कर सकते हैं तो भी अच्छा, अमावस की रात में कर सकते हैं तो भी अच्छा, आप किसी भी अन्यथा किसी भी शनिवार किसी भी मंगलवार को कर सकते हैं। यदि आप किसी स्त्री से मोहब्बत करते हैं, यदि आप किसी स्त्री से प्यार करते हैं, अगर उसकी प्यार को अगर आप पाना चाहते हैं तो इस लौंग के टोटके को जरूर आजमा करके देखिए, आपको सफलता मिलेगी, आप उसका प्यार को हासिल कर सकते हैं। तो इसको कैसे करना है, इसके लिए आपको बेगर टूटा फूटा लौंग वाला दो पीस आपको जो है लौंग लेना है, फूल वाला लौंग दो पीस आपको लेना है और उस लौंग को जो है दोनों को क्रॉस कर लीजिएगा, ऐसे क्रॉस करके और बीच में काला धागा उसको लपेट लीजिएगा। बीच में काला धागा लपेट करके आप जो है उस स्त्री का नाम सात बार लीजिएगा, सात बार ये काम को करना, रात को सोते समय करना है, उस स्त्री का नाम सात बार लेना है और लौंग के तरफ देख करके आपको उसमें बोलना है, अमुकी मम बस्यम बस्यम कुरुकुरु स्वाहा, अमुकी मम बस्यम बस्यम कुरुकुरु स्वाहा। फिर से सुन लीजिए, अमुकी मम बस्यम बस्यम कुरुकुरु स्वाहा। लौंग के तरफ में देख करके उसकी नाम सात बार लेकर के अब उसको सिर के नीचे रख करके आप सो जाना है। उसके बाद सो करके जब भी आप सुबह में उठते हैं बेगर किसी को बात किए हुए
आपको चले जाना बाथरूम में नहा धोकर के, पूरी तरह से फ्रेश होकर के एक लोटा शुद्ध जल और दो पीस अगरबत्ती लेकर के चले जाना है किसी अकवन का पौधे या पेड़ के पास। अकवे का पौधा या पेड़ के पास जाकर के वो शुद्ध जल को आपको डाल देना है, दो अगरबत्ती जला करके फिर से उस स्त्री का नाम सात बार लेकर के बोलिएगा बस्यम बस्यम कुरकुर स्वाहा। जहां मैं अमुकी शब्द बता रहा हूं वहां उस स्त्री का नाम सात बार लेकर के उसी लौंग को चुपके से वहां रख देना है और रख करके पीछे मुड़ के मत देखिएगा, बस वापस आ जाइएगा। ये छोटा सा उपाय जो है आपको बहुत बड़ा सफलता दिला सकती है, आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है इसके द्वारा। आप इसे जरूर प्रयोग करें, आपको सफलता मिलेगी, माता रानी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। इसी आशारोपित के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय माता रा।